देश के लगभग 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर दी है। पूर्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा की थी, जिसे लेकर संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया। जिले में 350 से ज्यादा संविदा अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं, जिनके हड़ताल पर चले जाने से कोरोना जाँच और मरीज की देखभाल के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ेगा। इनका कहना है कि जब तक सरकार नियमितीकरण की मांग पूरा नहीं करती, तब तक हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारी संघ आज से अपने मांग नियमितीकरण के लिए आंदोलनरत है, जो सभी 28 जिलों में क्रियान्वित हो रही है, जिसमें सभी जिला मुख्यालयों में कामबंदी है। और सरकार जब तक हमारी एक सूत्री मांग नियमितीकरण को पूरा नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे।